नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किचन, इसलिए किचन क्लीन रखना, किचन में हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इंडियन क्विजिन में तेल, घी, स्पाइस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसलिए इंडियन किचन क्लीन रखना उतना आसान नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, किचन में काम करते हुए अगर आप सिर्फ 5 चीजें ध्यान में रखेंगे तो आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगा और दिवाली क्लीनिंग तो चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में वही 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, दिन नमस्ते, मैं हूँ अमृता एंड वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड्स आप मिस ना करें। तो let's begin with today's video. काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, ये तो हम सबको पता है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं? शायद बहुत कम। अगर आप अभी का काम अभी करेंगे ना तो काम जल्दी कंप्लीट होता है। काम करते हुए अगर एक्सीडेंटली कोई भी स्पिलेज हो गया है तो उसे तब के तब साफ करें। इससे जाम बिल्डअप नहीं होगा, बैक्टीरिया एंड एलर्जन स्प्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसे ड्राई होने देंगे तो फिर क्लीन करना मुश्किल हो जाएगा। सिंक पे बर्तन जमा ना करके तुरंत साफ कर ले या फिर डिश वॉशर में रख दे। 2 मिनट का काम है, लेकिन ये करने से आपका सिंक खाली रहेगा, बर्तन पे जम बिल्डअप नहीं होगा और किचन सिंक जितना क्लीन रहेगा किचन उतना साफ दिखेगा। खाना बनाते हुए हम डिफरेंट कंटेनर्स कैबिनेट से बाहर निकालते हैं और जल्दबाजी में उसे काउंटर टॉप के ऊपर ही छोड़ देते हैं, और इस तरीके से एक एक करते हुए बहुत सारे कंटेनर्स किचन काउंटर टॉप के ऊपर जमा होने लगता है और हमारा काम करने का स्पेस कम हो जाता है और कंटेनर्स भी गंदा हो जाता है और बाद में क्लीनिंग में एक्स्ट्रा टाइम भी चला जाता है। इसलिए जो भी कंटेनर आप बाहर निकाले, काम हो जाने के बाद उसे तुरंत अपनी जगह पर रख दे। आपका काउंटर टॉप भी खाली रहेगा और क्लीनिंग के टाइम भी ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। सब्जी पील करने के टाइम एक प्लास्टिक बोल यूज कर ले और पील्स उसमें ही जमा करें तो काउंटर टॉप क्लीन रहेगा। पीलिंग हो जाने के बाद तुरंत उसे डस्टबिन में डाल दे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा। जब हम किचन में काम करते हैं तो हाथों में पानी, मसाला, हल्दी ये सब लगा हुआ होता है, और अगर वही हाथों से हम किचन कंटेनर्स या फिर अप्लायंसेस को टच करेंगे तो वो गंदा तो होगा ही, उसके साथ साथ क्रॉस कंटामिनेशन के भी चांसेस रह जाता है। इसलिए किचन नैपकिन हाथों के सामने रखा करें। मैं एक पुराना कर्टन कुशन कवर यूज करती हूँ। कुकिंग करते करते कुछ भी अगर लेना हो तो एक बार उस नैपकिन में हाथ पहले क्लीन कर ले, देन दूसरी चीजों को हाथ लगाए। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपका किचन अपने आप ही क्लीन रहेगा। कोई भी कंटेनर्स वापस रखने के टाइम अगर उसे एक बार पोंछ कर रखेंगे तो कंटेनर्स कभी भी गंदा नहीं होगा, और ये कुछ ही सेकंड का काम आपका 1 आवर क्लीनिंग टाइम जरूर सेव करेगा। कंटेनर्स रिफिल करने से पहले उसे जरूर क्लीन करें। ये रूल फॉलो करने से आपको एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 कंटेनर्स ही क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सभी कंटेनर्स एक साथ क्लीन करने के लिए मुहूर्त निकलने का वेट करेंगे तो उसमें जो मेस क्रिएट होता है वो तो आपको पता ही है। इसलिए किचन में जब भी कुछ गंदा दिखे उसे देन एंड देयर क्लीन करें, काम आसान होता है, जल्दी होता है। किचन में बेबी वाइप जरूर रखा करें। कुछ भी आइटम, चाहे वो किचन कंटेनर हो या फिर डेकोर पीसेस या फिर स्विच बोर्ड, ये सब इमीडिएट साफ करने के लिए बेबी वाइप्स बहुत यूजफुल होता है। घर का काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन इन सब के बीच हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। आजकल स्ट्रेस पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है स्किन। घर और बच्चा संभालने के साथ साथ मुझे यूट्यूब का काम भी संभालना पड़ता है और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है मेरा स्लीपिंग आवर्स। तो अनइवन स्किन टोन्स एंड डार्क सर्कल्स तो नॉर्मल है, और ये सब के साथ जूझने के लिए मैं आजकल यूज कर रही हूँ मामाअर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम एंड मामाअर्थ बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम। मामाअर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम सभी प्रकार के पिगमेंटेशन के लिए क्विक सॉल्यूशन है, चाहे वो एक्ने मार्क्स हो या फिर हाइपर पिगमेंटेशन।
पिगमेंटेशन। इस क्रीम में विटामिन सी इन्फ्यूज्ड है जो पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस प्रिवेंट्स एंड रिड्यूस करता है। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट स्किन ब्राइट करता है एंड द एंटीऑक्सीडेंट इन मलबेरी एक्सट्रैक्ट अ ग्रेट एंटी एजिंग एजेंट। बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और डार्क सर्कल्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम। डार्क सर्कल्स की जो भी रीजन क्यों ना हो लाइक मेलानिन डिपोजिट, स्ट्रेस, पोल्यूशन या फिर स्लीपलेस नाइट, ये अंडर आई क्रीम आंखों को रिजुविनेट करता है। क्यूकम्बर अंडर आई स्किन को नरिश करता है एंड डार्क सर्कल्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट स्किन में मेलानिन डिपोजिट रिड्यूस करता है। ये अंडर आई क्रीम भी लाइट वेट है एंड अंडर आई स्क्रीन को इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है और ये क्रीम डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये पावरफुल कॉम्बो के साथ मेरा स्किन केयर रूटीन तो सॉर्टेड है। जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो मामाअर्थ आपका ऑर्डर एक ट्रिक के साथ लिंक कर देता है जो कि वो प्लांट करता है। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आपको तो पता ही है मामाअर्थ का प्रोडक्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप के साथ साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल में भी अवेलेबल है। लेकिन आजकल तो आपका नियर बाय स्टोर में भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मेरा कोड happyhome2023 यूज करेंगे तो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आसपास आपको कोई भी मामाअर्थ का शॉप दिख जाए तो मुझे जरूर बताना। कुकिंग एक लेंथी प्रोसेस है। जब हम खाना पकाते हैं तो बीच बीच में हमें कुछ वेटिंग टाइम मिल जाता है, उस टाइम को यूटिलाइज करें और किचन का कोई भी एक पार्ट डीप क्लीन कर लें। हर दिन किचन का कोई भी एक कैबिनेट, कोई भी एक किचन रैक, कोई भी एक किचन अप्लायंसेस सब डीप क्लीन कर सकते हैं। ये काम करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एक दिन किचन का एक ड्रायर साफ कर लिया तो एक दिन स्पाइस रैक क्लीन कर ले, नेक्स्ट डे मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से साफ कर ले। इस तरीके से अगर आप दिवाली क्लीनिंग के लिए वेट ना करके हर दिन कुछ ना कुछ डीप क्लीन करते रहेंगे तो आपकी किचन हमेशा साफ रहेगा। अलग से डीप क्लीनिंग के लिए टाइम निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो डेली क्लीनिंग रूटीन है उसे डेडिकेटेडली फॉलो करें। विनेगर, वाटर एंड डिश लिक्विड सोप मिला के एक ऑल पर्पस क्लीनर रेडी कर ले और उससे किचन साफ करें। जो भी अप्लायंसेस आप यूज किया उसे रोज एक क्विक वाइप देना बहुत जरूरी है, खास करके अप्लायंसेस की हैंडल, नॉब एंड स्विच को अच्छे से क्लीन करें। किचन सिंक को एक बर्तन की तरह ही ट्रीट करें और हर रोज उसे क्लीन करें। इससे किचन सिंक पे कभी भी हार्ड वाटर स्टेन नहीं आएगा। यूज करने के बाद चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, पीलर साफ करना कभी ना भूलें। कुकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद किचन स्लैब, टाइल्स, गैस स्टोव गंदा हो या ना हो एक बार वाइप जरूर किया करें। गैस स्टोव के नीचे साफ करना भी जरूरी है। वेट डस्टबिन हर रोज खाली करें और वीक में एटलीस्ट 2 बार डस्टबिन को सोप यूज करके क्लीन करें और धूप में सुखाएं। मंथली एक बार किचन जरूर डिक्लटर करें। हर एक कैबिनेट एक बार जरूर चेक किया करें उसपे कोई भी यूजलेस या फिर खराब सामान है कि नहीं। एक बार पैंट्री जरूर चेक करें। सभी एक्सपायर्ड फूड आइटम डिस्कार्ड करें। जो सामान खराब हो गया है, जिसको आप और यूज नहीं करना चाहते हैं, जिसे रिपेयरिंग की जरूरत है, उसे अलग करें और वो सब सामान या तो ठीक करके रखें, नहीं तो डोनेट कर दें, नहीं तो फेंक दें। महीने में एक बार अगर आप ये डिक्लटरिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका किचन हमेशा क्लटर फ्री रहेगा, क्लीन रहेगा और हाइजीनिक भी रहेगा। दिवाली के टाइम किचन डिक्लटर करने के लिए अलग से कोई भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने में आपको जितना टाइम लगा है, ट्रस्ट मी, ये रूल्स फॉलो करने के लिए आपको उससे भी बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूले। मैं मिलूंगी और एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।